हेलो पीपल, माय नेम इज धीरज और वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। दीज आर डिफिकल्ट टाइम एंड इट्स वेरी नेसेसरी टू बी हेल्दी, स्टे फिट, ईट वेल, एक्सरसाइज एज मच एज यू कैन, रेस्ट वेल एंड स्ट्रेस फ्री रहिए। आज का जो वीडियो है हम बनाएंगे, टुडे विल डिस्कस प्री वर्कआउट्स। अब वाई सडनली प्री वर्कआउट्स? क्योंकि मैं बहुत महीनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट का जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है, इसका ट्रेंड सा चल गया है। मैंने इट्स ऑन द राइज, एवरीबडी वॉन्ट्स टू यूज़ अ प्री वर्कआउट बिकॉज इट्स ऑन द राइज, बिकॉज दिस सप्लीमेंट इज सडनली इन फैशन। तो इस पर एक वीडियो तो बनता है। इन प्री वर्कआउट्स को हम रेफर करते हैं, मल्टी इंग्रेडिएंट प्री वर्कआउट्स बोलते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट का एक ब्लेंड बना के, एक स्टिमुलेंस का एक ब्लेंड बना के एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि एनीबडी हु चूजेस अ प्री वर्कआउट, उसे किस बात का ध्यान रखना चाहिए, कौन से स्टिमुलेंट्स ऐसे हैं जो लेबल में आपको केयरफुली देखने चाहिए, एंड नॉट ओनली इंग्रेडिएंट्स बट वो किस मात्रा में उसमें मिलाए गए हैं वो भी देखना ज़रूरी है। बिकॉज स्टिमुलेंट्स जो होते हैं ये बड़े, इनका इफेक्ट हर बॉडी में अलग होता है। सम पीपल आर कैफीन टॉलरेंट, उनको कैफीन उतना ज़्यादा हिट नहीं करती है। सम पीपल आर काइंड ऑफ इनटॉलरेंट टू कैफीन, अगर उनको कैफीन हिट करती है तो उनके दे स्टार्ट शिवरिंग और उनको जिटरी फीलिंग होने लगती है। सो एंड दैट हैपन्स विद ऑलमोस्ट ऑल द स्टिमुलेंट्स। हर किसी का रिस्पॉन्स स्टिमुलेंट्स में अलग होता है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक मल्टी इंग्रेडिएंट प्री वर्कआउट में ज़्यादातर यूज होते हैं। तो ये स्टडी जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, ये एक कंपाइल करा हुआ डेटा है जिसमें वर्ल्ड की जो टॉप सेलिंग मल्टी इंग्रेडिएंट प्री वर्कआउट ब्रांड्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज जो कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई गई है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ अगर आप देखेंगे तो बीटा एलेनाइन, कैफीन, सिट्रुलिन, टायरोजीन, टॉरिन, क्रिएटिन, नियासिन, आर्जिनाइन, विटामिन B12, B10 एटसेट्रा एटसेट्रा, फिर देन द लिस्ट गोज ऑन। देन इट टोटली डिपेंड्स कि हर कंपनी कौन सी क्या क्या चीज़ें इसमें ऐसी मिलाना चाहता है जिससे वो अपने प्री वर्कआउट को और ज़्यादा इफेक्टिव या और ज़्यादा पावरफुल बना सके। एवरी कंपनी हैज़ अ डिफरेंट वर्क एथिक। अब बहुत सारे ब्रांड्स हैं तो हम हर ब्रांड को डिस्कस तो नहीं कर सकते। सो आई थॉट आई विल ब्रिंग इन माई फेवरेट प्री वर्कआउट सप्लीमेंट जो यूजली मैं प्रेफर करता हूँ। आई मीन आई हैव ट्राइड मेनी प्री वर्कआउट्स, मैं ओकेजनली प्री वर्कआउट्स ट्राई करता हूँ। सो अगर हम इसी की बात करें, ये इट्स अ वेरी गुड प्री वर्कआउट सप्लीमेंट फ्रॉम मसल मंक और इट्स करंटली माई फेवरेट। उसका रीज़न ये है कि इट गिव्स यू द बूस्ट, इट गिव्स यू द पंप, लेकिन इससे खाने के बाद ना आपको कोई अनईजी फीलिंग या कोई भी ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं होगा जिससे आप अनकम्फर्टेबल हो जाएँ। तो अगर इससे इसी के इंग्रेडिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, बिकॉज इसमें भी वो कॉमन इंग्रेडिएंट्स जो हमने अभी देखे थे इसमें भी वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। आई मीन देयर इज़ अ सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो इसमें भी डाला गया है। सो लेट्स ब्रेक दोज इंग्रेडिएंट्स डाउन और देखते हैं कि एक प्री वर्कआउट में जो सेफ इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या होने चाहिए। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिट्रुलिन मिलेट से। सिट्रुलिन में अभी तक जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उनका जब डेटा कंपाइल किया गया, इट वॉज फाइनली कंक्लूडेड दैट येस, सिट्रुलिन इज इफेक्टिव इन गिविंग यू सम अमाउंट ऑफ पुश एंड इन्हांसिंग योर परफॉर्मेंस, स्पेशली इन एनएरोबिक एक्सरसाइजेज। सेकेंड इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करते हैं तो इट्स बीटा एलेनाइन। बीटा एलेनाइन की जो स्टडीज़ हैं वो भी यही कंक्लूड करती हैं कि बीटा एलेनाइन के सप्लीमेंटेशन से पावर आउटपुट, स्पेशली जब आप लोड लिफ्ट कर रहे होते हैं और मैक्सिमल स्ट्रेंथ से लोड लिफ्ट कर रहे होते हैं, तो इसका जो पावर आउटपुट जो है वो काफ़ी बढ़ा देता है बीटा एलेनाइन। तो आई कीप पोस्टिंग स्टडीज़, अगर हम ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं तो आप स्टडीज़ को देखते रहिए, आप स्क्रीन में देखिएगा। एंड आई क्विकली गो थ्रू ऑल द स्टडीज़ रिलेटेड टू ऑल दोज ingredients one by one. Creatine is a very widely used and very widely studied supplement. और इसकी एफिकेसी शायद हर किसी को पता ही होगी। स्टडीज़ भी अगर आप स्क्रीन में देखें तो हर जगह ये कंक्लूड हुआ है कि क्रिएटिन बहुत इफेक्टिव सप्लीमेंट है। अगला इंग्रेडिएंट, अगेन वेरी कॉमन इंग्रेडिएंट जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है, आर्जिनाइन। देर आर सेवरल स्टडीज़ अबाउट आर्जिनाइन। हम सारी स्टडीज़ तो नहीं ले सकते, लेकिन लेट्स हैव अ लुक एट सम स्टडीज़ विद आर्जिनाइन। अगर आप इसी इंग्रेडिएंट को देखें तो इसमें कैफीन इज़ 300 mg, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट। मुझे नहीं लगता कि 300 mg से ऊपर
किसी को भी कैफीन की ज़रूरत है। अगला इंग्रेडिएंट जो इसमें है वो है टॉरीन। टॉरीन अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट। लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द स्टडी। टॉरीन जो है वो आपका मसल टेयर जो होती है उसकी रिकवरी को इन्हांस कर देता है एंड इट हेल्प्स यू रिकवर फास्टर। बट दो इंग्रेडिएंट ऐसे मैं जो आपको बता रहा हूँ अब, जिसकी मैं आपको थोड़ी थोड़ी स्टडीज़ भी दिखाऊंगा, एक एक स्नैपशॉट दिखाऊंगा स्टडी का, 1,3-DMA एंड ऑल्सो सिनेफ्रिन। सो ये दोनों ही सप्लीमेंट्स अगर आपको दिखाई देते हैं, लेट्स क्विकली लुक एट द स्टडीज़। पहले हम देखते हैं DMA की एंड इसके कार्डियोवैस्कुलर इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड इफ़ यू हैव अ लुक एट द स्टडीज़ विच वर डन विद सिनेफ्रिन, तो सिनेफ्रिन में भी यही दिखाया गया है कि ये भी एक ऐसा स्टिमुलेंट है जिसके कार्डियोवैस्कुलर इम्पैक्ट्स होते हैं एंड इट कैन लीड टू हाइपरटेंशन, कार्डियक अरिथीमिया एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को बायोलॉजिकल टर्म फॉर हार्ट अटैक। सो चूज़ योर सप्लीमेंट्स वाइजली। माई रिकमेंडेशन टू यू वुड बी गो फॉर समथिंग लाइक दिस एंड इफ यू कैन गो फॉर मसल मंक, नथिंग बेटर देन दिस बिकॉज इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव और ये बहुत अच्छा और अफोर्डेबल सप्लीमेंट है। फ्लेवर्स आर ऑल्सो अमेजिंग। आई होप इट वॉज अ गुड लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। ऑलवेज रिमेंबर दैट हेल्थ विल ऑलवेज कम बिफोर फिटनेस। सो वट एवर सप्लीमेंट यू चूज, प्लीज़ हैव अ लुक एट द इंग्रेडिएंट लेबल, थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च कर लीजिए, आस्क योर कोच अबाउट द इंग्रेडिएंट्स इन इट। और कोई भी ऐसा सप्लीमेंट मत चूज करिए जिससे आपको ऐसा लग, अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि इट कैन बी डेंजरस फॉर यू, अवॉइड दैट सप्लीमेंट। नो पॉइंट गोइंग फॉर अ सप्लीमेंट जिसको लेके आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। विल बी मीट नेक्स्ट टाइम।